सरिता खुराना भारत में पाक कला के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। चंडीगढ़ में रहने वाली सरिता खुराना प्रसिद्ध पाक कला व पोषण ज्ञान की विद्वान है। सरिता ने कुजीन आर्ट्स व अन्य कई किताबों की रचना की है। सरिता द्वारा पाक कला पर लिखे लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। उनके द्वारा बनाई गई रेसिपीज यानी पकवान की विधियाँ अनेक लोकप्रिय टीवी चैनलों पर भी प्रसारित होती रहती हैं। बेसिकली आई एम म्यूजिशियन, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली म्यूजिक में है। मैंने जन्म लिया तो मैंने सबसे पहले स्वर सा ही सुना, क्योंकि ब्रदर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, पापा भी थे, कि वो विरासत में मिली है लाइक एक तरह से म्यूजिक। और मैंने स्टडी भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था इंस्ट्रूमेंटल सितार में। एंड आफ्टर दैट जब शादी हुई तो शादी के 3 दिन के बाद कलकत्ता पोस्टिंग थी और मुझे खाना बनाना नहीं आता था बिल्कुल भी। तो 1 महीना तक तो इन्वाइट ही रहे हम लोग, होटल्स में भी खाना खाया, लेकिन कहते हैं ना घर से बाहर निकलने के बाद आपको ज़िंदगी की असलियत पता चल जाती है। तो शादी के 3 दिन बाद जब बाहर गई, 1500 किलोमीटर दूर था घर से, तो बहुत लोनलीनेस फील होता था। तो मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, म्यूज़िक तो सुनती रहती थी क्योंकि मैं लाइक गुलाम अली को, लता जी को एंड जगजीत सिंह बहुत सुनती हूँ। और खाना बनाना नहीं आता तो खाने के बिना तो कोई ज़िंदगी नहीं है। फिर एक मन में एक पैशन सा आया कि लाइक मुझे जो भी करना है लीक से हट के करना है। नॉर्मल कुकिंग तो सारी दुनिया करती है, लेकिन मुझे जो करना है वो लीक से हटके करना है। मुझे ऐसी कुकिंग करनी है जो हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो एंड उन लोगों के लिए स्पेशली जो कैंसर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं एंड चिल्ड्रन स्पेशल एंड प्रेगनेंट लेडी स्पेशल, उन लोगों के लिए लिखना शुरू किया। पढ़ा बहुत ज़्यादा, मीन्स कि 1 महीने में 40 किताबें पढ़ती थी मैं, वो हेल्थ रिलेटेड ही होती थी मोस्टली। और पढ़ पढ़कर बनाना शुरू भी किया, प्रैक्टिस करनी शुरू की। जो भी बनाया वही अप्रिशिएट किया गया। लाइक हस्बैंड इतने कूल, इतने हम्बल मिले मुझे कि उन्होंने हमेशा जब भी बनाया तो उन्होंने हमेशा तारीफ ही की, कभी भी उन्होंने मिस्टेक ही नहीं निकाली मेरी। तो मुझे उनसे लाइक एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होने का मुझे और मौका मिला। अंदर से इतनी कॉन्फिडेंस होने लगी कि मुझे ये लगा कि अब कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन अब दिमाग में ये चीज़ भी आई, आई हैव टू डू समथिंग। तो मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का डिप्लोमा किया इग्नू यूनिवर्सिटी से एंड टॉप किया वहाँ से मैंने। क्यूजीन ऑथर बनी, एक बुक लिखी मैंने जिसका नाम था रिच एंड न्यूट्रिशन, जिसके अंदर 65 रेसिपीज थी और सारी हेल्दी रेसिपी कुकिंग थी, नॉर्मल नहीं थी। तो टीवी पे भेजना शुरू किया और संजीव कपूर का एक प्रोग्राम आया करता था आज से 20 साल पहले, जी खाना खजाना के नाम से, और इंडिया का मेरे ख्याल से वो फर्स्ट शो था। तो उसमें क्या होता था, एक थीम स्पेशल रेसिपी मुझे देनी होती थी, क्योंकि टीवी बहुत वॉच करती थी, क्योंकि अंदर से, क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल हैं, मैं उनको अपना रोल मॉडल मानती हूँ। एंड उनको देख देख के मैंने बनाना शुरू किया और भेजना शुरू किया। जब भेजना शुरू किया तो कॉन्टिन्यू 26 एपिसोड के अंदर रेसिपी सिलेक्शन होती थी और टीवी पे नाम आ जाता था। और मेरे ख्याल से चंडीगढ़ का कोई इंसान ऐसा नहीं था जिन्होंने जी खाना खजाना के नाम से मुझे प्रोनाउंस करना नहीं शुरू किया था। लाइक मेरी आइडेंटिटी जी खाना खजाना बन गई थी, सरिता खुराना से खाना खजाना के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता था लाइक मुझे। तो अच्छा लगा, अंदर से और कॉन्फिडेंस क्रिएट होता चला गया। वो मेरी इंस्पिरेशन थी लाइक संजीव कपूर रोल मॉडल, तो माना ही मैंने उसको। लेकिन फिर सोचा कि इतना नेम फेम मिलने के बाद अब कुछ और भी कर लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, आइसक्रीम मेकिंग का कोर्सेज करवाया उन बच्चों को हु आर नॉट एबल टू पे, विदाउट टेकिंग एनी सिंगल पेनी उन लोगों को मैंने आइसक्रीम मेकिंग के कोर्सेज करवाए। और आज वो क्लासेस ले रहे हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं वो लड़कियाँ। मुझे टेलीफोन आते हैं, मुझे खुशी होती है बहुत ज़्यादा। और उनके थ्रू मुझे क्या होता है कि ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ब्लेसिंग इतनी ज़्यादा मिलती है क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ब्लेसिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप पैसों से परचेज़ नहीं कर सकते। आप पैसों का ढेर भी लगा देंगे तो आपको ब्लेसिंग कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन एक दिल से निकली हुई जो ब्लेसिंग होती है उसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा होती है। बुक
लिखी रिच एंड न्यूट्रिशन खाना खजाना के नाम से, वो संजीव कपूर के पास एक मास्टरपीस बनकर चली गई। वो मास्टरपीस पूरा का पूरा टेलीकास्ट हुआ और उसका प्रीमियम लाइक मुझे मिला। उसके बाद क्या हुआ कि संजीव कपूर यहाँ चंडीगढ़ में आए, एक कुकरी शो था, एक वो इंडिया का फर्स्ट रियलिटी शो था, आज से 16-17 साल पहले की बात है। वो आए तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि आप, मैं आ रहा हूँ तो आप आ रही हैं ना? तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके लेवल की नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकती। तो उनकी वाइफ एलियोना ने मुझे टेलीफोन किया, होटल माउंट व्यू से मुझे फ़ोन आया कि सरिता जी आप आ रहे हैं। और मेरे घर में अमृतवाणी का पाठ चल रहा था उस दिन, तो कोई तैयारी नहीं थी, मुझे जाने का कोई मन ही नहीं था बिल्कुल। जब उन्होंने बोला तो लाइक मैं नो नहीं कर सकी उनको, मैंने यस किया और मैंने उसके अंदर अपनी एंट्री दी। उसमें उस एंट्री में संजीव कपूर, उनकी वाइफ और सविता भट्टी जो है जसपाल भट्टी की वाइफ, ये मेरी जज थी, आज से 17-18 साल पहले की बात बता रही हूँ। उसमें क्या हुआ कि 3100 एंट्रीज उस शो के ड्यूरिंग आई, जो इंडिया का फर्स्ट कुकरी रियलिटी शो था, हमारे इंडिया में अभी तक नहीं हुआ था कभी भी। एंड उसके अंदर 3100 रेसिपीज आई और उसमें से शॉर्ट लिस्ट की गई 84 में शॉर्ट लिस्ट हो गई। 84 के बाद क्या हुआ, 24 रेसिपी को शॉर्ट लिस्ट किया गया। 24 के बाद उन्होंने टॉप 9 को रखा, टॉप 9 में फर्स्ट वन में मैं ही थी। तो उससे क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा क्रिएट हुआ कि अंदर से लगा कि मेरा ड्रीम मेरे सामने ही है। ग्रेस ऑफ गॉड, हाँ एक छोटी सी हुई थी अनहोनी, ये कुकरी शो के ड्यूरिंग मुझे टॉप पे रखा गया था और जब डिक्लेयर किया गया तो किसी और का नाम डिक्लेयर किया गया था। बाई चांस क्या हुआ कि उसी सोफे के ऊपर मैं बैठी हुई थी और उसमें सिमोन सिंह मेरी जज थी, और जब मैं सोफे के ऊपर बैठी तो बाई चांस उनकी लिस्ट वहीं रह गई थी। मैं टॉपर थी, मेरे 60 में से 58 मार्क्स थे और जिसको फर्स्ट रखा गया था उसके 54 मार्क्स थे। तो अंदर से थोड़ा सा हर्ट हुआ था, लेकिन मेरे को इतना बुरा नहीं लगा। मैंने कहा जो ऊपर वाला करता है बहुत सही करता है, क्योंकि जब आपका एक दरवाज़ा बंद होता है तो 16 दरवाजे तो आपके ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। मैं गॉड पे बहुत बिलीव करती हूँ, ऑलमाइटी पे बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि वो सुपर पावर है। प्योरिटी और ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्डवर्क जिस बंदे के पास होता है वो कभी ना कभी उसके सामने लाकर रखता ही है। तो वो मुझे इतना बुरा नहीं, छोटी सी ये मेरा इंसिडेंट था, लेकिन मैंने इसको इतना बहुत लाइटली लिया, इतना कोई वो नहीं लिया। मूवमेंट्स तो बहुत ज़्यादा आए हैं। छोटा सा मूवमेंट एक था जब मेरे बेटे ने इंडिया में टॉप किया था, तो मेरे लिए वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। एंड आफ्टर दैट बिटिया ने प्रेसिडेंट अवार्ड लिया, 23 में लिया उसने, और वो जो अवार्ड था कोई नॉर्मल अवार्ड नहीं था, क्योंकि 1,00,000 एंट्रीज में से वो उसने अवार्ड लिया। उसने रामनाथ गोयनका अवार्ड, नेशनल अवार्ड होता ही, और इसको प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही देता, कोई और नहीं देता। तो उस समय जब मुझे इंडिया के जो चीफ ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो हाई डिग्निटीज हैं जब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आ रहे थे तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तो मुझे मेरा वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। आफ्टर दैट जब इंडिया के 8 बेस्ट फीमेल में मुझे शिल्पा शेट्टी ने अवार्ड दिया, तो वो मेरे लिए और भी बहुत बढ़िया मोमेंट था। ये 3 मोमेंट मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगी। और सबसे बेस्ट मोमेंट था कि जब मुझे मेरा पार्टनर, जो मेरा बेटर हाफ है, मुझे इतना अच्छे मिले कि मेरे घर में यही सिखाया गया कि लेडीज़ की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और वो रिस्पेक्ट के साथ मैं जी रही हूँ। मैं बहुत लाडली मदर भी हूँ, बहू भी हूँ और लाडली वाइफ भी हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का। मैं माँ के तौर पर बहुत रिस्पॉन्सिबल मदर हूँ। 20 आवर्स या 18 आवर्स काम करने के बावजूद भी अपने बच्चों को कभी निगलेक्ट नहीं होने दिया मैंने। चाहे मुझे सारी रात जागकर अपनी रेसिपी लिखनी पड़े, लेकिन जो दिन का मोमेंट होता है, मैंने अपने बच्चों को निगलेक्ट कभी नहीं किया, इग्नोर कभी नहीं किया। उनकी डाइट का बहुत ध्यान रखा है और उनके हर मोमेंट को बड़ा लाइटली लिया और शेयर किया उन्होंने मेरे साथ। लाइक मदरली की तरह ट्रीट करती हूँ, फ्रेंड की तरह भी ट्रीट करती हूँ उनको, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो डांट भी देती हूँ उनको। हाँ, अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर एक बेटर हाफ बहुत अच्छा मिलता है, आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो क्रिएट होता ही है, लेकिन आप उसके और करीब जाते हैं। आपको जैसे जैसे वो अंडरस्टैंड करता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होने के अलावा आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
तो इसलिए मुझे ऐसा विद ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अपनी फैमिली के अंदर ऐसा कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दी जहाँ मेरी लाइक रिस्पेक्ट नहीं हो रही या मुझे प्यार नहीं मिल रहा, ऐसा कभी कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। एक बैड मोमेंट आया था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था मेरे साथ। हम चारों ही दिल्ली से आ रहे थे और पानीपत के नियर अबाउट मेरे हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो एकदम झपकी लगी उनको और मेरी गाड़ी एक खड्ड के अंदर गिर गई थी। और चांस की बात ये देखिए कि सुबह 3:30 का टाइम था, उस समय हमें किसी को खरोंच भी नहीं आई। और क्या हुआ कि लोग रात को ट्रक जा रहे होते हैं, मोस्टली ट्रकों की इतनी लंबी लाइन लग गई हमें बचाने के लिए, और वो बार बार हमसे ये पूछ रहे थे कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। और चांस की बात देखो उसका इतना वंडर था, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इस पे, वंडर ऑफ गॉड लिखा था मैंने, एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ गॉड का मैंने स्पेशली एक आर्टिकल भी डाला था उसके अंदर। और हम चारों को किसी को खरोंच भी नहीं आई थी, और हमें लाइक कहते हैं ना एक ह्यूमैनिटी दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है, ट्रकों की पूरी लंबी लाइन लग गई थी और उन्होंने एक मोटी रॉप से मेरी गाड़ी को बाहर निकाला और हम चारों को लाइक अपने लैब के अंदर लेकर बाहर निकाला, और हम बड़ा स्मूथली चंडीगढ़ ड्राइव करके वापस आ गई। लेकिन ये बैड मोमेंट था मेरे लिए, मैं चाहती हूँ कि गॉड किसी के साथ भी ना करे, बस इतना छोटा सा हादसा मेरे साथ हुआ था। संगीत तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं उसके बिना शायद कभी जिंदगी में जी भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे ब्लड के अंदर म्यूजिक इतना ज्यादा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा मेरा ये जो एक मेरा एक सपना था कि मैं बहुत अच्छी बड़ी इंस्ट्रूमेंटल की एक बहुत बड़ी कलाकार बनूं, लेकिन वो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने घर से बहुत दूर रहती थी और हस्बैंड की पोस्ट ऐसी थी कि दूर दूर पोस्टिंग होने की वजह से मैं ये अपना सपना तो नहीं पूरा कर पाई। लेकिन बाकी मेरी हॉबी रीडिंग है, टीवी देखना, मैं क्रिकेट मैच बहुत ज़्यादा देखती हूँ और क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। वेरी गुड एक्सपीरियंस। जब भी आप किसी नए शो में जाते हैं, किसी के जजमेंट में जाते हैं या एज ए कंटेस्टेंट जाते हैं, तो आप एक नया एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो जो सीख होती है वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलती रहती है, और सबसे ज़्यादा ये होता है खुशी इस बात की होती है कि वहाँ पर जो लोग आए हुए होते हैं, जो कंटेस्टेंट होते हैं या जो आपके क्रू मेम्बर्स होते हैं, वो आपको प्यार बहुत करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत देते हैं आपको, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहां से। वो मेरा एक ड्रीम ही था, क्योंकि मैंने शुरू से 20 साल पहले उनको अपना रोल मॉडल माना था। लाइक वो द्रोणाचार्य हैं, मैं एकलव्य हूँ, क्योंकि उनके बिहाइंड मैंने जो किया उनको शायद पता भी नहीं था। जब शोज में जाती हूँ या जब मैं अपनी रेसिपीज उनको सेंड करती हूँ, तो वो एक्नॉलेज करते हैं। एक छोटा सा हादसा है, एक रेसिपी थी ग्रेटिनेटेड टोफू विद फ्रूट साल्सा, तो वो सिंगापुर के अंदर टेलीकास्ट की गई थी एक्चुअली, और वहाँ जब नाम एक्नॉलेज किया संजीव कपूर ने, तो मेरी खुशी का शायद कोई ठिकाना नहीं था। तो उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। सबसे जो उनकी क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, मैं उसको अपने बहुत नज़दीक रखती हूँ, और जो भी वो बोलते हैं, जो सिखाते हैं, जो टीवी पे प्रोग्राम टेलीकास्ट करते हैं, मैं अपने अंदर समा कर रखती हूँ और हमेशा उनके पद चिन्हों पर तो नहीं चलना कह रही, क्योंकि लाइक वो मेरे रोल मॉडल, उनको द्रोणाचार्य की तरह मैं ट्रीट करती हूँ, वो मेरे गुरु हैं लाइक एक तरह से। आप कॉन्फिडेंट रहें, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, और लास्ट मोमेंट में जब वो अपने घर दूसरे घर जाती हैं, तो इतने कॉन्फिडेंस से उस घर के अंदर एंटर करें कि जो भी मिले उसको हैट्स ऑफ करके मिले।